हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सोनीज कॉर्नर। और मैं हूँ सोनी। फ्रेंड्स, आज हम मेथी और चने का, ये हमने काले चने लिए हैं, देसी चने, इसका अचार डालेंगे। साथ में हमें आम चाहिए होंगे, ये 500 ग्राम हमने मैंगो लिए हैं, कच्चे आम हैं। तो चलिए अभी हम सीखते हैं कि मेथी चने का कैसे अचार डालना है। तो उसके लिए हमें मेथी हाफ कप चाहिए, हाफ कप ही हमने चने लिए हैं, काले चने, और इसको देसी चना भी बोलते हैं। और इसको हमें ज़्यादा पानी डालकर भिगोकर अलग अलग रख देना है 6 से 8 घंटे के लिए। इन दोनों को अच्छे से हमें भिगोकर रख देना है 6 से 8 घंटे के लिए। और आम को हमने अगर ग्रेट करके डालना है तो इसको ग्रेट करना होगा। अगर हमें पीसेस में अच्छे लगते हैं आम, तो हमें पीसेस में इसको इसके साथ मिक्स करना होगा। तो इन दोनों को हम भिगो देते हैं और आम को हम काट लेते हैं और छील लेते हैं और ग्रेट कर लेते हैं। इसका ऊपर का छिलका हम निकालेंगे पहले। और ये आम बिल्कुल कच्चे होने चाहिए। ग्रेटर लेकर हम आम के पल्प को ग्रेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधे आम को ग्रेट कर लिया है और आधे आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अगर आप चाहो तो पूरे आम ग्रेट कर सकते हो या पूरे आम ऐसे छोटे चंक्स बना सकते हो। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना हम दोनों में नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी दोनों में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है आपको। हाथ से करके बताती हूँ आपको, इस तरीके से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए नमक और हल्दी। इसी तरीके से आपको ये प्लेट को थोड़ा टिल्ट करके रखना है ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। उसके लिए आप कोई भी कटोरी ले सकते हो, इसके प्लेट के नीचे आप रखोगे तो ये आराम से टिल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको रखना है 6 से 8 घंटे। इसको भी 6 से 8 घंटे रखोगे तो इसका सारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो पानी हमें इसका निकालना है और इसको इस तरीके से प्रोसेस करके आपको 6 से 8 घंटे रख देना है। और चने और मेथी को भी भिगोकर 6 से 8 घंटे हम रखेंगे। हमारी मेथी दाना जो है और काले चने हैं, 6 घंटे से हमने इसको भिगोकर रखा है। और ये देखिए, ये अच्छे से भीग गए हैं, फूल गए हैं अच्छे से, और हमारे चने भी अच्छे से भीग गए हैं। तो अभी हम इसका पानी निकाल देंगे। और ये वाला पानी खट्टा पानी है, ये हम कच्चे आम का जो हमने नमक और हल्दी लगा कर रखा था उसका पानी जो निकला है उसको हम यूज़ करेंगे। ये पानी हम निकाल देंगे और इन दोनों को मिक्स करके ये पानी में हमें फिर ओवरनाइट भिगो कर रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने चना और मेथी के पानी को निकाल दिया है। अभी इन दोनों को एक बाउल में डालेंगे। ये मेथी के दाने और काले चने जो हमने भिगो कर रखे हैं इनको मिक्स कर देंगे। और इसमें हम कच्ची अम्बी का जो पानी निकला है वो इसमें डाल देंगे। इसको हमें खट्टे पानी में, ये यानी कि अम्बी के पानी में जो कि नमक और हल्दी लगी हुई थी जिसमें, उसमें हमने इसको भिगो कर रखना है। इसको ओवरनाइट हमने भिगो कर रखना है।
तो ये हमने पानी डालकर, खट्टा पानी डालकर इसको भिगो दिया है, और इसको ओवरनाइट हमें भिगो कर ऐसे ही रहने देना है, ताकि जो खटास है अम्बी के पानी की जो खटास है वो चने और मेथी में चली जाए। हमने अभी खट्टे पानी को निकाल दिया है और ये हमारी मेथी और चने अच्छे से फूल गए हैं। अभी इसको ड्राई करना होगा, उसके लिए हमें एक बड़ी प्लेट लेनी है और उसके ऊपर टॉवल रखेंगे और साफ़ नेपकिन रखेंगे, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, चने और मेथी को ऐसे फैलाकर हम रख देंगे। इसको हमें धूप में या पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, इसको ऐसे ही सूखने देना है, और जब ये सूख जाएगा तब तो हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तय हो चुका है, इसको हमने ये पॉट में ले लिया है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसे ड्राई होने के लिए 2 से 3 घंटे लगे हैं। और अभी हम मसाला, एक बड़ा पॉट लेंगे, उसमें हम 100 ग्राम राई का कुरिया ऐड करेंगे। राई का कुरिया हमने 100 ग्राम ऐड करना है। इसको राई की दाल भी बोलते हैं। ये 100 ग्राम हमने लिया है और इसको हम साइड में कर देंगे। इसके बीच में हम मेथी का कुरिया ऐड करेंगे, ये हमने 50 ग्राम लिया है। 2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हींग डालेंगे, और इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। थोड़ा ऑयल हम गरम करेंगे गैस के ऊपर, फिर उसको गरम करके और थोड़ा वार्म होने देंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे। दिया है, ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है बघार के लिए, तड़के के लिए। इसको गरम करना है और गरम करके थोड़ा ठंडा करके हमें मसाले में डालना है। फ्रेंड्स, हमारा तेल जो है थोड़ा वार्म हो चुका है, एकदम से गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गरम हम डालेंगे तो इसमें मसाले जलने का डर होता है। इसलिए हल्का वार्म है हमारा, है वहाँ पर इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून, और हम देगी मिर्च डालेंगे, कश्मीरी मिर्च, 1 टेबल स्पून, और हम इसमें नमक ऐड करेंगे अभी, 1.5 टेबल स्पून। आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें मिक्स कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसाले का। अभी इसमें हम ऐड करेंगे चना और मेथी। आम के जो हमने पीसेस और इसको ग्रेट किया था वो भी इसी में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से धोकर और अच्छे से सुखा लेना है, थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम अच्छे से दबाकर इसको भरेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने 200 ग्राम तेल जो है वो गरम होने के लिए रख दिया है, इसको अच्छे से गरम करना है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। इसको इतना अच्छे से गरम करना है ताकि
अगर हम इसमें राई डाल के देखेंगे, अगर ये एकदम से ऊपर आ जाएगी तो उतना हमें गर्म करना है। ये देखिए ये राई हमारी एकदम से स्प्लटर हो रही है, तो हमारा तेल जो है सफिशिएंट गर्म है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, और इसको ठंडा करने के बाद ही हम अचार में डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने कांच की बर्नी में अचार को अच्छे से भर दिया है और इसको अच्छे से दबा देना है आपको। और अच्छे से दबाने के बाद हमने जो तेल गरम करके ठंडा किया हुआ है वो इसके ऊपर डालना है। हमारा तेल जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, थोड़ा भी गरम नहीं होना चाहिए। उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। आप इसके रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आधा तेल हम इसके ऊपर भरेंगे। ये देखिए आधा तेल हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको अच्छे से बंद करके हमें रख देना है। और नेक्स्ट डे ये सारा तेल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी का तेल हम उसके बाद डाल देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है अचार बनकर, और ये हफ्ते में तैयार हो गया। एक हफ्ते के बाद हम इसको खा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर खाएंगे तो हल्का कड़वाश आएगी मेथी की, तो इसलिए एक हफ्ते के बाद हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो एक हफ्ते के बाद हमारा बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा अचार जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। अच्छे से बन जाने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रखने का ये मतलब होता है कि हम इसे पूरे साल तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पूरे साल खराब नहीं होगा फ्रिज में। तो अभी ये अब्जॉर्ब हो जाएगा जब ऑयल, तो हम इसके ऊपर फिर हम ऑयल डाल देंगे। और ये ऑयल जो है वो हमेशा थोड़ा ऊपर तक रहना चाहिए ताकि हमारा अचार जो है वो ख़राब नहीं हो, और इसमें कभी भी हम मॉइस्चर वाले गंदे हाथ या गंदा चम्मच इसमें कभी नहीं डालना चाहिए। तो हमारा अचार जो है वो पूरे साल तक ख़राब नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मेथड पसंद आया होगा और आप भी ज़रूर